हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका एक बार स्वागत है। आज हम सीखेंगे वायलिन पर हम स्ट्रिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वायलिन को किस ढंग से पकड़ा जाता है या होल्ड किया जाता है, उसी प्रकार से जैसे हम बो को कैसे पकड़ते हैं या बो को कैसे हैंडल करते हैं। इसके पूर्व में मैं दो वीडियोज़ बनाकर आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद में ये जो वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग की प्रैक्टिस कैसे होती है, उसके बाद में हम सीखेंगे फिंगर की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, एक काम कीजिए, आप इसे शॉर्टकट में फटाफट लिख लीजिए। ये फिंगर्स के लेसन्स हैं, सॉरी फिंगर्स के नहीं, ये हमारे स्ट्रिंग्स के लेसन्स हैं अभी फिलहाल। तो पहला लेसन 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 1, इस ढंग से आप इसे 1 2 3 4 5 आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे देख पा रहे हैं। उसके बाद में इसी के नीचे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये मैंने चार स्ट्रिंग बनाए हुए हैं। मोटी स्ट्रिंग है 4 नंबर की, उसके बाद 3 2 1 ये स्ट्रिंग्स होंगे। और मैंने इन स्ट्रिंग को हम जब ट्यून करते हैं दोस्तों, तो ट्यून कैसे करते हैं इसका अप्रोक्सीमेट मैंने हर्ट्ज लिखा हुआ है। 4 स्ट्रिंग जो होती है, जिसे हम जी स्ट्रिंग कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट 196 हर्ट्ज पे होना चाहिए। ट्यूनर में आपको 196 हर्ट्ज दिखेगा। उसी प्रकार 3 जो थर्ड स्ट्रिंग है डी स्ट्रिंग, वो 293.5 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेट ये उसका ट्यूनिंग होना चाहिए। और सेकंड जो स्ट्रिंग है वो ए स्ट्रिंग है, वो A4 है, इसलिए वो 440 हर्ट्ज पर ट्यून होनी चाहिए। और उसके बाद में ये 1 स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग, वो नियर अबाउट 660 हर्ट्ज पर ट्यून होनी चाहिए। इस ढंग से ये चार ट्यूनिंग होने के बाद में इनका जो नाम है G D A E, इसके बाद हम सीखेंगे कि इसके ऊपर हम स्ट्रिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं दोस्तों। उसके पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों मेरे पास में वायलिन है, आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूनिंग। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जी स्ट्रिंग, ये डी स्ट्रिंग है, उसके बाद में ये ए स्ट्रिंग है। आप उसका हर्ट्ज भी अप्रोक्सीमेट चेक कर सकते हैं। और ये ई स्ट्रिंग है, ये ई स्ट्रिंग आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वायलिन ट्यून होगा। और उसके बाद में हम लोग वायलिन ट्यून करने के बाद में अब हम सीखेंगे इस पर लेसन्स किस ढंग से बजाते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये हमने इस ढंग से पकड़ा और हम आप ये मेरा बो पकड़ने का स्टाइल हुआ। गिटार को हम सॉरी वायलिन को हम इस ढंग से पकड़ सकते हैं, अभी जरूरत नहीं हमको ऐसे पकड़ने की, फिर भी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, इस पर वायलिन के बो पर आपको सबसे पहले रोजिन लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप रोजिन लगा लीजिएगा, उसके बाद में ये स्क्रैच नहीं होगा और प्रॉपर वे बजेगा। 1, इसको थोड़ा उठाएंगे, 2 3 4, पहला लेसन आपने देखा 1 1 2 1, तो हमारा ये 1 स्ट्रिंग है, इस ढंग से बजेगा 1 1 2 1। जब आप शुरुआत करेंगे तो ये आपका स्क्रैच होगा। किस ढंग से स्क्रैच होगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस ढंग से स्क्रैच होगा। जब इसका प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा देंगे, यदि आप प्रॉपर प्रेशर इस बो का इस पर देंगे स्ट्रिंग पर, तो ये स्क्रैच नहीं होगा। ठीक है, 1 1 2 1, अब 2 2 3 2, अभी होगा 3 3 4 3, उसके बाद में 4 3 2 1, तो अब ये पूरा लेसन मैं आपको एक बार सुना देता हूं।
इसी प्रकार इसका जो दूसरा लेसन है इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब हम 4-4 से शुरू करेंगे, 4-4-3-4। इस ढंग से हम उसको ऐसे ऐसे करके पूरा बजाएंगे। नेक्स्ट लेसन है दोस्तों 1-2-1-2-2-3-2-3। तो अब इसको कैसे बजाएंगे, वो को हम अच्छे से पकड़ लेंगे इस ढंग से, उसके बाद 1-2-1-2-2-3-2-3। तो दोस्तों इसके बाद में इसको पूरा एक से एक बार फिर से बजाता हूं, मैं आपको सुनाता हूं। टच हो सकती है, वो प्ले कर सकते हैं इसको आप, इसलिए थोड़ा इस लेसन को ध्यान से देखें दोस्तों। वन नेक्स्ट है 2-3-4-2। उसके बाद में इसका डिसेंडिंग 4-3-2-4 और 3-2-1-3, इसे भी इस तरह से बजाएगा दोस्तों। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप स्ट्रिंग्स की, तो आपके स्ट्रिंग्स बराबर रिक्वायर्ड स्ट्रिंग बजनी चाहिए आपकी, बस मतलब एक बार में एक स्ट्रिंग बजनी चाहिए, एक बार में आपका ये बो के मूवमेंट से दो स्ट्रिंग टच नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में लास्ट लेसन है 1-2-1-3। कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि बो कहां कितना शुरू करें, आप दोस्तों हाफ बोइंग भी कर सकते हैं और फुल बोइंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि आपका बो का मूवमेंट इस ढंग से सीधा होना चाहिए, सीधा चलना चाहिए आपका बो। तो 1-2-1-3-2-3-2-4। अभी 2-3-2-4। दोस्तों इस ढंग से आप बजाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। वायलिन यदि आप परचेस कर लेते हैं तो कम से कम 3-4 दिन इस लेसन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें फिंगर प्रैक्टिस किस ढंग से होती है। तो दोस्तों कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।